बाद आपको आरती के लिए पास दिया जाएगा, उसके बाद आप आरती का दर्शन कर पाएंगे। आए मिलांगे जरूर कदे किसे मोड़ते। जय हिंद दोस्तों, शिवा अयोध्या वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम आए हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, तो आपको दिखाएंगे और यहाँ पर दिखाने के बाद आपको ले चलेंगे राम जन्म भूमि के सामने, वहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक रिएक्शन। खानदानी दौलत दुबे में उड़ाए उड़ाए उड़ाए, इधर लच्छी जादू प्याली चाय, खानदानी भी दिखाएंगे। और जैसा कि अभी आए हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो यहाँ पे खास रिएक्शन नहीं मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे बनाते काफी। आप देख सकते हैं पूरा पीछे हमारे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि घर से निकले थे, सोचे थे आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, तो आज वही सोच कर आए हैं। और आप कमेंट कर बताइएगा कैसा वीडियो बनाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा गया था, तो इतना अच्छा पहले मखा मारी रीस तू के करेगी हम देसी बालक बार हम देखे। और ऐसे ही अब वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आपको पसंद आता है ऐसे ही वीडियो, तो जैसा कि पब्लिक रिएक्शन। आपको पूरा दिखाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर गेट है ये, और काफी श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं, पर हम आपको वीडियो के जरिए दिखा देते हैं क्योंकि 5 नंबर गेट ही अभी खुला हुआ है और बाकी सारा गेट बंद हुआ है। 5 नंबर गेट से एंट्री अंदर में कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास टिकट नहीं है, नहीं तो आपको अंदर में चल के दिखाते। तो चलते हैं अभी सोनू भाई के साथ, इसके बाद चलते हैं राम जन्मभूमि के सामने। मैं दीवाना तू दीवानी, मैं मस्ताना तू मस्तानी, यो मेरे ख्वाब। पब्लिक रिएक्शन भी दिखाएंगे और यहाँ पे खास रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वहाँ से आ चुके हैं, अब आपको ले चलते हैं अपने सोनू भाई से मिलाते हैं। तो ये हमारा सोनू भाई है, आप सोनू भाई से मिल सकते हैं। सोनू भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पब्लिक रिएक्शन देखिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो हमारे सोनू भाई हमारे सुना दिया होगा क्योंकि ये बहुत स्लो बोलते हैं और इतना स्लो बोलना नहीं चाहिए, पर क्या बताएं इनको, थोड़ा तेज बोल दीजिए हमारे लिए। जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी को हम बता दें जैसा कि हमारे सिला भाई पब्लिक रिएक्शन यहाँ पर बनाने आए, तो आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। और ये देख लीजिए दोस्तों, अभी उस साइड जाकर अपनी साइकिल लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी साइकिल यहाँ पे खड़ी हुई है, अभी अपनी साइकिल के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमारी साइकिल आप देख सकते हैं, आप साइकिल से चलेंगे आपको राम जन्म भूमि लेकर। तो हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, अपना साइकिल अभी ले लेते हैं। सोनू भाई यहाँ तो चलते हैं साइकिल से। तो दोस्तों हम और हमारे सोनू भाई अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं साइकिल से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं श्री राम जन्म भूमि के सामने पहुंच चुका हूँ और बगल में यात्री सेवा केंद्र बनाया गया है। चलते हैं अंदर में देखते हैं क्या क्या सुविधा है। और आप जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। दिखाएंगे और हम भी देखेंगे क्या क्या यात्रियों के लिए सुविधा है। जैसा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं अभी गाड़ी देख के चलना पड़े, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे आए दिन ऐसे पुलिस आते जाते रहते हैं पूरे दिन, ताकि कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को यहाँ पर और यात्रियों को। चलते हैं देखते हैं क्या क्या सुविधा है अंदर में, जैसा कि पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा है, तो चलते हैं अंदर में, एंट्री करते हैं अंदर में, दिखाएंगे आपको पूरा। दिल में मैं सबके बसा हूँ, जो हूँ दुआओं से बना हूँ मेरे है तरीके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाया गया है कूलर और यहाँ पे हवा देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम भी लेंगे, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है, तो थोड़ा सा हवा खा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग बनाते बनाते हमारे कुछ भाई लोग मिल गए, तो इनसे पूछते हैं कहाँ कहाँ पे दर्शन किया और इनको कैसा लगा अयोध्या नगरी में। तो भाई यहाँ पर आइए, मैं भी आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत दिन से मन था राम जन्म करने हैं, आज यहाँ पे आए हैं।
राम लला का दर्शन हुआ। हाँ बहुत अच्छे से हो गया। तो लोग बताते हैं वहाँ बहुत गर्मी लगती, चक्कर आता है, दर्शन भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन। यहाँ पे सारी सुविधा मिली आपको? जी हाँ, बहुत सारी सुविधाएं, जाते हैं जो हक मन जाते हैं, जो प्यासे होते हैं, हर जगह जगह पे आपको पानी की सुविधा मिलती है। आप कहाँ से आई हैं? कानपुर से। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, कानपुर से आए हैं और यहाँ पे इनको सारी सुविधा मिली और राम मंदिर का दर्शन भी किए और काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे देखते हैं और क्या सुविधा है यात्रियों के लिए। तो यहाँ पे लाइन लगी है, चलते हैं पूछते हैं किस लिए लाइन लगी है, तो अभी पूछ कर बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या सुविधा है आपको ले चल कर दिखाते हैं। यहाँ पे छोटी सी लाइन लगी हुई है, चलते हैं देखते हैं किस लिए लाइन लगी है। तो यहाँ पे भाई लोग से पूछते हैं किस लिए इतनी लंबी लाइन लगाई गई है। यहाँ पे किस लिए इतनी लंबी लाइन लगाई गई है? मेरा नाम रोहित चौधरी हुआ, मैं बांका बिहार से आया हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले आपको आधार कार्ड देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा संध्यार्थी के लिए। यहाँ से फिर आपको टोकन दिया जाएगा, ये टोकन लेकर आपको फिर जो पास में ये जो काउंटर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से ये जो पास में जो काउंटर आप देख पा रहे हैं, फिर वो टोकन लेकर आपको इस लाइन में लगनी होगी। उसके बाद आपको आरती के लिए पास दिया जाएगा, उसके बाद आप आरती का दर्शन कर पाएंगे। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? बेसिकली मैं बिहार से रहने वाला, भागलपुर। अच्छा, धन्यवाद इतना बताने के लिए, राम राम भैया। तो दोस्तों भैया जी से पूछे, जैसा कि भैया जी आपको बता रहे थे, यहाँ पर आप आ सकते हैं, पास बनवा सकते हैं राम मंदिर आरती के लिए। तो वही भैया जी बता रहे थे और यहाँ पर निःशुल्क सेवा है, जैसा कि पैसा नहीं लगेगा, आप आइए, आपको फ्री में पास बना कर दिया जाएगा, पर अपना आधार कार्ड लेकर आइएगा और यात्री सेवा केंद्र के अंदर में ये सारी सुविधा है। आप कभी आइए तो यहाँ पर ज़रूर आइए। अब चलते हैं आपको लेकर लता मंगेशकर चौक की तरफ और देखते हैं क्या क्या रिएक्शन मिलता है। तो चलते हैं आपको लेकर, ये हमारे सोनू भाई अभी यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो सोनू भाई चले, चलो भाई, तो चलते हैं अब आपको लेकर। जैसा कि दोस्तों आप राम जन्मभूमि के दौर पे आएंगे तो आप पहले ये देखेंगे, इसके बाद यात्री सेवा केंद्र सामने आप देखिए, तो वही है। तो आप अंदर में जैसा कि आपको दिखा चुके, अब आपको ले चलते हैं लता मंगेशकर चौक के तरफ और वहां पर आपको दिखाएंगे। तो हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, आपको ले चलकर दिखाते हैं। तो दोस्तों राम मंदिर द्वार से निकल चुके हैं हम और हमारे सोनू भाई। तो जैसा कि आपको बताए थे पिछली वीडियो में, राम मंदिर जी आए मिलांगे जरूर कदे किसे मोड़ ते, दसूंगा मैं तेनु तड़पाया सी कदे। दर्शन से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है और आज आपको दिखाई राम मंदिर के बगल में जो सेवा केंद्र है उसके अंदर में क्या क्या सुविधा है आपके लिए। और अब चलते हैं आपको लता मंगेशकर चौक लेकर और वहां पे दिखाएंगे। जैसा कि ये हमारे सोनू भाई को आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप लग गई है, तो अभी चलेंगे वहाँ पे राम पेड़ी में, थोड़ा से नहाएंगे, इंजॉय करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, और उसके बाद जो रिएक्शन मिला रहेगा वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी के पास पहुँच चुका हूँ और ऐसे सीधे जाया जाता है हनुमानगढ़ी और दशरथ महल और कनक भवन। तो आप देख सकते हैं, अब चलेंगे नहीं, आपको ले चलते हैं सीधा राम पेड़ी के पास और वहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अयोध्या की राम पेड़ी अब सूख चुकी है पूरा और यहाँ पे पानी नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम सोच के आए थे अभी नहाएंगे यहाँ, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, पर आप देख लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें। अब चलते हैं आपको लता मंगेशकर चौक लेकर और वहाँ पे वीडियो एंड करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे वहाँ पे क्या सुविधा है और क्या क्या हुआ है नया, कुछ नया हुआ होगा तो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों लता मंगेशकर चौक पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आपको लता मंगेशकर चौक दिखाते हैं, इसके बाद वीडियो एंड करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको लता मंगेशकर चौक भी दिखा दिए, तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप एक छोटा सा कमेंट कर देना।
तो आपको मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।